What's up everyone, welcome back to my YouTube channel. और आज है November 2, यानी कि मेरा second vlog, but ये vlog आपको मिलेगा 3rd November को. But मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, हद से ज़्यादा खुश हूँ, because आज एक तो शाहरुख खान का बर्थडे है, you know, शाहरुख खान. I mean, lately उन्होंने इतना सब कुछ difficulties देखा, but finally आज उनका बर्थडे है, तो yes उनको celebrate करेंगे, उनके बारे में dedicated कुछ सारी चीज़ें हैं जो हम करेंगे. But apart from that, also जो second चीज़ है जिस बारे में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, वो है कि फाइनली यूवी मतलब युवराज सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला जहां पर उन्होंने लिखा कि फाइनली आई विल बी बैक टू द फील्ड्स मोस्ट प्रोबेबली बाय फरवरी. तो आई मीन युवराज सिंह वाज वन ऑफ माय फेवरेट क्रिकेटर्स एंड एन इंस्पिरेशन टू लॉट ऑफ देम. युवराज सिंह ने बेसिकली क्या स्टार्ट किया था कि पहले इंडियन क्रिकेटर्स को अगर आप देखो तो बड़े जेंटलमैन हुआ करते थे, किसी से कोई लड़ाई नहीं, कोई बहस नहीं, कोई कॉन्ट्रोवर्सीज नहीं, कोई कुछ नहीं. बट युवराज सिंह ने मुंह तोड़ जवाब देना स्टार्ट किया और भाइयों की लैंग्वेज में बोलूंगा तो फुल तोड़ गालियां देनी स्टार्ट करी इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को जब वो हमसे फालतू बोला करते थे. तो युवराज सिंह इज वन ऑफ माय फेवरेट. मैं बहुत एक्साइटेड हूं. लेट्स सो गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, क्योंकि जाम भी बहुत ज्यादा लगा हुआ है, तो मुझे लगा कि वीडियो को मैं यहीं से ही स्टार्ट कर लेता हूँ. तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं शाहरुख खान सर की लाइफ के बारे में. तो बेसिकली शाहरुख खान सर की लाइफ यू नो बहुत ही ज्यादा ऊपर नीचे उथल पुथल वाली रही है. इनिशियली उन्होंने अपना सेंट कोलंबस स्कूल से अपना स्कूलिंग कंप्लीट किया और उनकी बहन पढ़ा करती थी मॉडर्न स्कूल बाराखंबा में. तो जब वो अपनी बहन को यू नो 4 बजे लेने जाया करते थे, तो 1 बजे से 4 बजे यानी उनके स्कूल से लेके उसकी बहन के स्कूल तक का जितना भी टाइम होता था उसमें पर वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में बैठा करते थे, जहाँ उनके पापा उनकी कैंटीन चलाया करते थे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की. तो वो वहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े दिग्गज एक्टर्स के साथ बैठा करते थे, उनकी गोदी में खेला करते थे. तो कहीं ना कहीं एक्टिंग का जो सीन है ना वो उनकी लाइफ में वैसे ही आता रहा. दूसरी जो चीज़ है गाइस, शाहरुख खान बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज में रहे हैं क्योंकि उनका जो बोलने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है और काफ़ी मजाकिया किस्म के ह्यूमरस बंदे हैं. उस वजह से ना उनके वो काफ़ी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज खड़ी कर देते हैं. बट यू नो हम किसी की बात को लेके, किसी की कॉन्ट्रोवर्सीज को लेके ये बात जज नहीं कर सकते कि इंसान है कैसा. तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं कि उनके बारे में कॉन्ट्रोवर्सीज हुई किस किस लेवल की है और उनको डिफेम करने के लिए लोगों ने क्या क्या कहा है. जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में किया स्मोक, तब उनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल की गई थी. सुनील गवास्कर और कोलकाता नाइट राइडर्स के ओनर शाहरुख खान के बीच हुई थी वॉर ऑफ वर्ड्स. साल 2009 में SRK को न्यू जर्सी के एयरपोर्ट में डिटेन किया गया था, वो भी 2 घंटे के लिए, बिकॉज ऑफ हिज सरनेम खान. अजीत भट्टाचार्य ने भी किया था स्लैम, ये कहते हुए कि SRK ने उन्हें ड्यू क्रेडिट नहीं दिया फॉर द फिल्म्स मेहूना एंड ओम शांति ओम. अग्निपथ फिल्म के बैश में शाहरुख खान ने किया था फराह खान के हस्बैंड शिरीष कुंदर को असॉल्ट. और आमिर खान से एक बार SRK को एयरपोर्ट पर डिटेन करने के बारे में पूछा गया था, तब इनडायरेक्ट टोन मारते हुए उन्होंने कहा आई हैव नेवर फेस्ड सच प्रॉब्लम. वहीं एक बार आमिर खान ने SRK को कुत्ता कहा. फैमिली मैन SRK फंस गए थे एक लिंक अप रूमर में जब उनका नाम जोड़ा गया प्रियंका चोपड़ा के साथ. और गाइस अब जान लेते हैं कि शाहरुख खान के कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनसे मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ. इफ पीपल लुक एट योर बैटल स्कार्स एंड whether they laugh at it, make fun of it, these are my battle scars of life. Last 25 years of work and before that also. Yeah, there've been good moments, sad moments, happy moments, nice moments, pathetic moments. एक फेज था मेरी लाइफ में जब मेरे अपने मुझसे छूट गए, मेरे माँ बाप, और एक फेज है मेरी लाइफ में जब मुझको एक्स्ट्रा अपने मिल गए, आर्यन, सुहाना एंड अब्राम. आई एम हैप्पी विद द लाइफ दैट आई हैव. आई वुड नॉट चूज अनदर लाइफ इफ आई गॉट अ चांस. आई ट्रूली बिलीव द वर्ल्ड चेंजेस बाय द स्मॉलेस्ट ऑफ आइडियाज. आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग. मुझे बड़ी तकलीफ होती है अगर कोई चीज या कोई शब्द मुझे बोला जाए और मुझे उसका मायने ना आता हो या उसकी अंडरस्टैंडिंग ना हो. एंड आई जेन्युइनली would like to claim today that I am not just the best lover in the world as I've shown myself in the films, I am love itself. Agar aap mujhse sab kuch bhi wapis chheen lo, mujhe jo pyar mila hai, wo aap mujhse nahi chheen sakte. Oof, matlab ki na, kasam bata raha hoon, kasam se mere ko rongte khade ho gaye, jab maine wo last wali line suni ki अगर आप सब कुछ भी मुझसे छीन लो तो आप मुझसे ये नहीं छीन पाओगे जो प्यार मुझे मिला है. आई मीन यार मेरे को पता है कि ये लोग एक्टर्स हैं और ये बहुत अच्छा बोलना जानते हैं, बहुत अच्छा बातों को घुमाना जानते हैं, बट यार इतने सारे एक्टर हैं ना, इतनी अच्छी बातें तो नहीं कर पाते.
अब मानते हो ना इस बात को, अभी भी तो रिसेंटली एक से एक एक्टर्स आ रहे हैं, वो लोग बहुत अच्छे दिखते हैं, दे हैव गुड लुक्स, दे हैव गुड क्लोथिंग्स, अपना बॉडी का फिजिक बहुत अच्छा बना रखा है, बट शाहरुख खान जब बोलता है तो मैजिकल, आई मीन यू नो बहुत ही मैजिक हो जाता है. एंड आई थिंक शाहरुख खान से ना जो मुझे सीखने को मिलता है वो ये मिलता है कि यू नीड टू बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू आर द बेस्ट. आप जिस भी वर्जन के हो, आप जो भी चीज कर रहे हो लाइफ में वो आप बेस्ट कर रहे हो. तो ये मुझे ऐसा लगता है कि शाहरुख खान हैज इट ऑल. अभी क्या करेंगे हम लोग, कुछ लोगों का रिएक्शन लेंगे कि उनको शाहरुख खान कैसा अच्छा लगता है, और मैं बिल्कुल अनफिल्टर्ड रिएक्शन डालूंगा, अच्छा बुरा जो भी होगा, ठीक है. बट मैं चाहता हूं कि किसी ना किसी तरह ये वीडियो शाहरुख खान तक पहुंच जाए गाइस. तो अगर कोई भी उनका मैनेजर या कोई भी उनका बहुत क्लोज इंसान इस वीडियो को देख रहा है तो यार उन तक पहुंचा देना, बिकॉज हम बहुत कुछ सीखे हैं उनसे. एंड चलो सबका रिएक्शन लेते हैं फटाफट, लेट्स गो. शाहरुख खान का बर्थडे क्या बोल रहे हैं? सर आपको बहुत बहुत मुबारक आपको जन्मदिन के ऊपर, आपको बहुत लग जानते हैं, वैसे मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ. तो एक बार शाहरुख खान को स्टेप करके दिखा दे जल्दी से. हैप्पी बर्थडे शाहरुख खान. हैप्पी बर्थडे शाहरुख खान सर. कोई गाना? गाना तो याद नहीं है. शाहरुख खान की सबसे अच्छी बात क्या लगती है तुझे? सबसे अच्छी बात उनके डायलॉग्स वगैरह सब ठीक लगते हैं. अच्छा अच्छी बात सर रैंडमली नहीं भी नहीं पता. अच्छी बात करते हैं, अच्छी एक्टिंग करते हैं. ये हो गई. और उनका एक डायलॉग बहुत अच्छा लगता है जो सर ने किया था. तेरे को शाहरुख खान का एक अच्छी बात याद नहीं आ रही? शाहरुख खान की एक अच्छी बात याद नहीं आ रही? और ये अच्छा आदमी है. चलो गाइस तो आपको मैंने कुछ रिएक्शंस भी दिखा दिए, अब फटाफट जाके चाय पीते हैं और फिर चाय पे बैठ के बात करते हैं युवराज सिंह के बारे में, क्या बोलते हो, है ना? तो अभी मैं जा रहा हूँ चाय पीने के लिए, फिर मैं वहाँ से निकलूँगा और फिर बात करेंगे युवराज सिंह के बारे में. चलो लेट्स गो. चाय और बात कर रहे थे अपन युवराज के बारे में, युवराज सिंह कर रहा हूँ वापसी. तो मेरे लिए युवराज काफ़ी बेहतरीन प्लेयर रहा स्टार्टिंग से, मेरा तो बहुत ही फेवरेट प्लेयर रहा है हमेशा से. आई थिंक क्रिकेट को जब मैंने ढंग तरीके से, मतलब बहुत ही सही तरीके से जब मैंने फॉलो करना स्टार्ट किया तो युवराज सिंह ही एक बंदा था जिसको मैंने सबसे पहले एज अ क्रिकेटर पसंद किया है. और इससे पहले हम और कुछ बात करें, फटाफट युवराज का एक फ्लैश देख लेते हैं जो बहुत ही आइकॉनिक फ्लैश था, आई मीन वो 6 छक्के, ठीक है उसको देख लेते हैं फिर से बात करते हैं. चलो मां कसम बता रहा हूं ये जो 6 छक्के थे ना, ये इसने मेरा ऐसा खून अंदर से उबाल दे दिया था ना, मैंने बोला क्या बात है युवराज. आई मीन यूवी का एक ऐसा सीन है कि यू नो सबसे बेहतरीन प्लेयर, अगर तुमने एमएस धोनी मूवी देखी है तो तुम लोगों को पता होगा कि एमएस धोनी मूवी में क्या होता है कि यू नो युवराज के अराउंड अराउंड सारे क्रिकेटर ऐसे देख रहे होते हैं, भाई ये युवराज सिंह है, ये युवराज सिंह है. तो भाई की चौड़ स्टार्टिंग से ही थी, ठीक है, इतना अच्छा प्लेयर, इतना सब कुछ. और सबसे ज्यादा जो उसकी लाइफ से मैं लर्निंग ले सकता हूँ ना, वो लर्निंग ये है कि भाई को कैंसर हो गया था, ठीक है. कैंसर की भी कुछ फुटेजेज है यार, वो देख लेते हैं. मुझे पता है थोड़ी डिस्टर्बिंग है क्योंकि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर था, बट वो सब भी तुम लोग देख लो, फिर उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना. चलो. डेट थी 20 मार्च 2011 जब भारत और वेस्ट इंडीज के बीच वर्ल्ड कप खेला जा रहा था, और जीतकर पहले बल्लेबाजी के दौरान भारत अपने महत्वपूर्ण 2 विकेट खो चुका था. इसके बाद वह खिलाड़ी आया जिसकी लगन और देश प्रेम को देखकर पूरा स्टेडियम रो दिया था. वह यूं देर खेलने के बाद उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ होने लगी और एक असहनीय दर्द महसूस हुआ, उसको खून की उल्टियां होने लगी. तब ने उसको समझाया कि आप मैच खेलने की हालत में नहीं हो, लेकिन वह नहीं माना और बोला अच्छा है मैं मर ही क्यों ना जाऊं पर मौत के डर से मैदान छोड़कर नहीं जाऊंगा. और हुआ भी यूं ही, उसने 113 रन की दामा के दार पारी खेली और देश को जिताया. तो भाई कमिंग बैक, तो भाई को मतलब ये ऐसा देख के मुझे तो बहुत ही बुरा लग रहा था यार. बट यू नो कहते हैं ना कि भाई युवराज सिंह इज अ फाइटर, ही इज अ टाइगर बेसिकली. उसने फाइट किया अपनी सारी प्रॉब्लम से, उसने फाइट किया अपनी डिजीज से, और वापस से युवराज सिंह यू नो हम लोगों को फील्ड में देखने को मिला और फिर भी बहुत अच्छा भाई ने खेला. आई मीन
हम सब उसकी लाइफ से ये बात को लर्न कर सकते हैं कि हम लोग छोटी छोटी बातों में इतना बड़े इश्यूज बना देते हैं, भाई जिंदगी में ऐसा हो गया, जिंदगी में वैसा हो गया, अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता। सामने वाला बंदा मौत के मुंह से बाहर आया है, मतलब तुम समझ रहे हो, और उसके बाद बंदे का मोराल इतना डाउन रहता है कि यार मेरे को इतना हो गया, मेरा क्रूशियल टाइम मैंने मेरा डिजीज में चला गया, ये दिक्कत हो गई, वो दिक्कत हो गई, उसके बाद बंदे को खेलने में कितना वक्त लग जाता है तुम वो तो सोचो। बट फिर भी युवराज ने वापसी करी, अच्छा खेला, कुछ हद तक जितना उसकी हिम्मत थी उससे ज़्यादा ही बेटर खेला, और उसके बाद फिर युवराज सिंह फिर संन्यास ले गया। मेरा दिल थोड़ा सा दिल दुखा क्योंकि उसका एंड जो था ना, मैं वो ऐसे नहीं देखना चाहता था। मैं देखना चाहता था युवराज सिंह को कि वो बहुत ही ब्राइट एंड के साथ अपने करियर को खत्म करता है। बट उसके बाद ठीक है, जैसा भी था हमने एक्सेप्ट कर लिया वर्ल्ड को कि चलो ठीक है यार, अगर नहीं भी है युवराज सिंह तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा किसी तरह मैनेज। पर वो दिल में कहीं ना कहीं मेरे वो बात हमेशा रही गई थी, मतलब वो फंस गई थी मेरे दिल में कि यार ऐसा क्यों हुआ। बट उसके बाद क्या होता है, इंस्टाग्राम पे युवराज सिंह हमारा खुद का यूवी एक स्टेटस डालता है, मतलब एक पोस्ट डालता है, उस पोस्ट में वो लिखता है कि मैं वापस आ रहा हूँ, फरवरी तक मुझे टाइम लगेगा, आई विल रिकवर विद एवरीथिंग एंड देन आई विल बी बैक एंड आई विल बी बैक ऑन पिच। अब देखो ये मुझे नहीं पता कि वो वापसी इंडियन क्रिकेट टीम में कर रहा है या वो वापसी IPL में करेगा या फिर जो भी वो मैचेस खेलेगा, मुझे नहीं आइडिया। बट द बेस्ट पार्ट इज कि एटलीस्ट वो वापसी कर रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और मैं इतना एक्साइटेड हो गया, मैंने बोला यार भाई मैं उसका स्क्रीनशॉट डाल दूंगा यहाँ पर, तुम लोग देखना उसको, और अगर योगी को नहीं फॉलो करते हो तो जाके फॉलो करो और ये चीजें देखो, बिकॉज ये इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। अगर युवराज ने यहां से अपने आप को प्रूव कर दिया कि आज भी उसमें वो ताकत है खेलने की, वो 6 छक्के मारने की, वो दम रखने की, वो बहुत कुछ करने की, अगर आज भी उसमें वो ताकत है, अगर उसने ये बात प्रूव कर दी, तो ये इससे बड़ा क्रिकेट के इतिहास, इंडियन क्रिकेट के इतिहास में इससे ज्यादा गोल्डन एरा नहीं होगा। बट हाँ, सारी बातों को एक तरफ रखते हुए, जो भी है युवराज, आप कैसा भी खेलो, अंडर प्रेशर आके मत खेलना, हम आपको बहुत प्यार करते हैं, वेदर विदाउट क्रिकेट, मैं तो पर्सनली बहुत ज्यादा, तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया। तो ये लाइफ से और लर्निंग देखने को मिला है, प्लस अब मेरी लाइफ में मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत सारी चीजों में कमबैक नहीं कर सकता, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, अब मैं कमबैक करूंगा, बहुत ही ब्राइट कमबैक करूंगा, और आई विल मेक श्योर दैट जो मैं डिलीवर करता था इंडिया को इन टर्म्स ऑफ व्हाट एवर, जो भी इंडिया जिस तरीके का भी मुझसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, वो जो मैं डिलीवर करना चाहता था वो मैं हमेशा डिलीवर करूंगा। आई विल मेक श्योर मैं अपनी लास्ट स्ट्रेंथ तक उस चीज के लिए फाइट करूं और उसको अचीव करूं। आई थिंक इस व्लॉग को हम यहीं तक रखेंगे, मेरे लिए बहुत ही प्यारा दिन था आज, धनतेरस का दिन है, हैप्पी धनतेरस टू एवरीवन एंड दिवाली अच्छे से मनाओ सब लोग। तो या यही मैं कह रहा था कि अब इस व्लॉग को यहाँ तक आज हम एंड कर लेंगे, बट आप सबको पता है कि आप सबको क्या करना है, आप सबको मुझे करना है बहुत ज़्यादा प्यार, आपको बांट देना है प्यार, आपको मुझे सब्सक्राइब करना है, आपको इस वीडियो को फैलाना है, आपको सपोर्ट करना है मेरे को, एंड आई विल मेक श्योर दैट आई कीप डिलीवरिंग दिस काइंड ऑफ कंटेंट टू यू गाइस। इसके अलावा एक और बहुत अमेजिंग चीज़ मैं प्लान कर रहा हूँ, ऑब्वियसली आई विल शेयर विद यू बहुत जल्दी, बट तब तक के लिए अभी आपको मैं बाय बोलता हूँ, बट यस बहुत जल्दी दोबारा मिलते हैं, आई लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, पीस।